आप ऐसा सोचोगे कि सर मुझे 25 लाख का ही पैकेज चाहिए तो कभी नहीं मिलेगा। आप अगर ऐसा सोचोगे कि मैं अपने आप को 25 लाख के लायक बना लूँगा तो उस दिन मिल जाएगा। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटा ही थे लेकिन बहुत कुछ कर लिया। स्टीव जॉब्स के पास भी 24 घंटे ही थे लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया, है ना। तो टाइम कभी भी नहीं निकलता, टाइम निकालना पड़ता है। M.Tech टोटली डिपेंड करता है आपके गाइड पे कि आपके प्रोफेसर कौन है। अगर वो प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, जो टॉप प्रोफेसर होते हैं उस कॉलेज के, तो आपको बहुत अच्छा चांस मिलता है। अब्रॉड जाने का भी हो सकता है, PhD का चांस मिले, वो रिकमेंड कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज मॉर्निंग में आपका जो दिन का शुरुआत होगा, सुबह की जो शुरुआत होगी, वो होगी एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमें बोले, जो पहला वीडियो मैं बनाया था, दूसरा वीडियो जो आपका इस प्लेलिस्ट में है 15 मिनट्स विद जेनिक टीम, उसमें स्टूडेंट ने हमें ये बोला कि सर PSUs, M.Tech एंड जॉब, इनमें आप एक वीडियो बनाओ कि क्या करना चाहिए, जॉब नहीं एक्चुअली प्राइवेट जॉब, इन तीनों में क्या करना चाहिए, किसको नहीं चाहिए PSU, आपको नहीं चाहिए क्या? एक इंजीनियर है उसको PSU तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पहला जो मोटिवेशन होता है PSU जाने का, नन अदर देन मनी एंड स्टेबिलिटी। तो मनी भी है और स्टेबिलिटी भी है, दोनों है, इसकी वजह से सब लोग चाहते हैं कि हमको PSU मिले। अब प्रॉब्लम क्या है, सबको नहीं मिल सकता। हर साल वैकेंसी उतना नहीं होता है जितना आदमी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना लोग हर एक ब्रांच में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अप्रोक्स 1.5 लाख 2 लाख लोग प्रिपरेशन करते हैं, और उसमें से कुछ सीट होती है, जैसे 100, 150 मैक्सिमम 200 सीट्स आप ले लो अगर ब्रांच वाइज देखें, तो उतने लोग PSUs जा पाते हैं, रेस्ट नहीं जा पाते हैं। तो PSUs और M.Tech, इन दोनों को मैं पैरेलल लेके चलूँगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो रैंक 1 लाए हैं वो PSUs नहीं जाते हैं, वो M.Tech जाते हैं, जो रैंक 10 लाए हैं वो PSUs चले जाते हैं, M.Tech नहीं। मतलब चॉइस ये डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या सोचते हो, आपका कैरियर गोल क्या है, ठीक है। तो PSUs में लाइफ की बात करें, बहुत अच्छी लाइफ है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा आपको स्टेबिलिटी भी मिलता है, पर्क्स भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स अगर आप काम करते हो उसका अलग मिलता है, पे स्केल आपका 8 से लेकर 14 लाख के बीच में कुछ भी हो सकता है, हालांकि ये 14 लाख आपका CTC होता है, लेकिन कट के आपका सब कुछ आएगा, जो भी आएगा आपका बहुत अच्छा आता है, मतलब क्लास ए जॉब एक तरह से कह सकते हैं, इंजीनियर के लिए सबसे बेस्ट जॉब है, है ना। तो PSUs में लाइफ भी अच्छी है, सब चीज़ अच्छी है। एक डाउट होता है स्टूडेंट का कि क्या अगर हम PSU लिए तो हम पैरेलली ES का तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है आपका पोस्ट कैसा है। अगर आप टेक्निकल पोस्ट पे हो तो टेक्निकल पोस्ट पे क्या होता है कि आपका वही चीज़ आ रहा है जो आपके कोर डोमेन से आता है। जैसे अगर कोई EE का स्टूडेंट है, वो अगर पावर ग्रिड जाता है तो पावर ग्रिड में उसको वही चीज़ दिखेगा जो EE से रिलेटेड है, तो वो उसको हेल्पफुल होता है ES की जॉब में। प्लस अगर मैनेजरियल पोस्ट है, मार्केटिंग जॉब्स हो गया, तो थोड़ा बहुत आपको हेक्टिक फील होगा, लेकिन उतना भी नहीं होता है जितना प्राइवेट जॉब में होता है। तो आप पैरेलली आराम से ES की प्रिपरेशन कर सकते हो, 8 घंटा PSU में हो लेकिन आपको टाइम बहुत अच्छा मिलेगा, आप पैरेलली कर सकते हो। रीज़न क्या है कि आपको एक तो टेक्निकली आप गेट में 80% जो ES का सिलेबस है वो कवर कर रखे हो, रेस्ट 20% प्लस नॉन टेक देखना होता है, तो आप वहाँ पे पैरेलली ES की प्रिपरेशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बात करेंगे हम M.Tech की, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या है प्लेसमेंट, अपॉर्चुनिटी क्या है आफ्टर M.Tech। अगर एक लाइन में बोला जाए तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि M.Tech करना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको इंटरेस्ट है हायर स्टडीज़ या टीचिंग प्रोफेशन में, डेफिनेटली आप M.Tech करो। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हमें प्लेसमेंट लेना है, तो आप M.Tech तब करो जब आपका क्या कहते हैं कोई टॉप IITs और ISCs मिलता है, क्योंकि जो लोअर ग्रेड के जो IITs हैं या फिर NITs हैं वहाँ प्लेसमेंट अप्रोक्स ज़्यादा नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि सबका नहीं होता, होता है लेकिन ज़्यादा नहीं है, मतलब 2 साल आप जितना मेहनत करते हो उस हिसाब से प्लेसमेंट नहीं है। तो प्लेसमेंट वाइज आप M.Tech को प्रेफर मत कीजिए, अगर आपका रैंक मतलब 500 से 1000 के बीच में है तो। अगर आप अंडर 100 हो, आपको ISC मिल रहा है, IIT बॉम्बे मिल रहा है, कानपुर दिल्ली मिल रहा है, बिल्कुल जाइए, आपका इंटरेस्ट है वहाँ जाकर आप M.Tech में और ग्रूम कर सकते हो, आपको प्रोफेसर से सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, है ना। और हायर स्टडीज़ की वैल्यूज आपको तब पता चलेगा ना, जब आप आज से 5 से 6 साल बाद जब आप जॉब कर लोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ हायर स्टडीज़। हायर स्टडीज़ से आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है और जिस तरह से आप 2 साल वहाँ ग्रूम करते हो ना, उसका कोई मतलब इस तरह से समझो, तो एक तरह से आप जैसे जॉब करते हो तो 2 साल आपको जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होता है उसी के बराबर होता है। वहाँ भी हम लोग इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड ही कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, अगर आप अच्छे जगह पे कर रहे हो तो, है ना। तो M.Tech का ये है। प्लस मैं आपको बता देता हूँ पैकेज क्या है M.Tech के बाद। तो पैकेज M.Tech के बाद जो है वो डिपेंड करता है कॉलेज बाई कॉलेज। जैसे ISC बेंगलोर की अगर हम बात करें तो वहाँ 25 लाख भी जाता है, 5 लाख भी जाता है, डिपेंड करता है कि आप वहाँ कैसे स्ट्रगल किए हो, कैसा मेहनत किए हो और प्रोफेसर कौन से हैं। M.Tech टोटली डिपेंड करता है आपके गाइड पे,
कि आपके प्रोफेसर कौन हैं। अगर वो प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, जो टॉप प्रोफेसर होते हैं उस कॉलेज के, तो आपको बहुत अच्छा चांस मिलता है। एब्रोड जाने का भी हो सकता है, पीएचडी का चांस मिले, वो रिकमेंड कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ भी अच्छा खासा मतलब कमा सकते हो, आपका मतलब ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट का आप उतना ज़्यादा, अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो आपको बीटेक वाले से कम्पीट करना पड़ता है। बीटेक स्टूडेंट जो है वहाँ पे, उनसे कम्पीट करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो चार साल बीटेक वहाँ से किए हैं, उनका आईक्यू लेवल और जिस तरह से वो प्रिपरेशन करते हैं उनका डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू एमटेक। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमटेक स्टूडेंट वहाँ पे नहीं ले पाते हैं जॉब, ऐसा नहीं है, लेते हैं, कुछ चुनिंदा लेते हैं, सब लोग नहीं ले पाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सपर्ट, हाँ, कोर डोमेन में ऑब्वियसली अगर आप एमटेक करते हो, अच्छे कोर सब्जेक्ट से करते हो, तो आपको बेनिफिट होगा उसका, कहीं ना कहीं आपको आइदर टीचिंग प्रोफेशन में बेनिफिट होगा, गेट इंडस्ट्री में बेनिफिट हो सकता है। आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हो तो एमटेक इज़ मस्ट। एमटेक करने के बाद आपका जो टीचिंग स्किल है वो ग्रो करता है, है ना। तो अगर आपको इस फील्ड में आना है तो अच्छा है, नहीं आना है तो नो प्रॉब्लम, वहाँ भी प्लेसमेंट है, उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगा। लास्ट वन इज़ दी प्राइवेट जॉब। इस पर बहुत सवाल आए हैं, मैं एक एक करके पढ़ूंगा, वर्थ है कि नहीं। ऑफकोर्स है, मैं बताऊंगा कब वर्थ है कब नहीं है, ठीक है। आपको एक लाइन में कोई बोल देता है कि प्राइवेट जॉब मत करो, हालत ख़राब हो जाएगी, ऐसा बहुत सारे बात होते हैं, मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेट जॉब वर्थ है कि नहीं, एक लाइन में बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए ये भी बताओ, क्यों करना चाहिए ये भी बताऊँगा, और क्यों नहीं करना चाहिए ये भी बताऊँगा। वो डिपेंड करता है एक आपके पैरामीटर पर, वो पैरामीटर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्राइवेट जॉब में किस टाइप का जॉब है, फर्स्ट वन इज़ दी सर्विस बेस्ड या फिर आपका प्रोडक्ट बेस्ड। दो टाइप के प्राइवेट जॉब होते हैं। अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है तो सर्विस ओरिएंटेड कंपनी आ रही है या प्रोडक्ट ओरिएंटेड, इस पे डिपेंड करता है कि आपको करना चाहिए या नहीं। सर्विस ओरिएंटेड लाइक TCS हो गया, IT कंपनी जो भी आप देखते हो, वो सब सर्विस ओरिएंटेड होती है, वो सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड की बात करो तो जो कोर है, कोर डोमेन के जो आते हैं, जैसे EE के भी जो कोर होते हैं वो आपके प्राइवेट जॉब में, मतलब प्राइवेट कंपनी जो इलेक्ट्रिकल की कंपनी होगी उसमें है, या फिर कंप्यूटर साइंस में अपना कोर जैसे होता है उनका वो है, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब है कोर डोमेन से लेना, तो उसमें आपको जाना चाहिए कि नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे, कब जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए। PLC, SCADA, ये सब EE के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ऑफकोर्स है। अगर आप ये सब करते हो तो कहीं ना कहीं आपको रिज्यूम में बूस्ट मिलता है। सेकेंड, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पर आपको PLC, SCADA, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ काम दिखने को मिलता है, तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट लगेगा, अच्छा फील होगा कि हाँ आपको आता है तो आप उस फील्ड में कुछ कर सकते हो। तो एडवांटेज है PLC, SCADA का, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एकदम BLC, SCADA आ गया तो आप PSU जैसा कमाने लगोगे, ये चीज़ नहीं है। अगर आप चाहोगे तो मैं PLC का अच्छा खासा नॉलेज आपको दे सकता हूँ एक PPT के फॉर्म में, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए। मैं PLC में खुद किया हूँ, मेरा प्रोजेक्ट है, तो मैं PLC अच्छे से जानता हूँ, तो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी मुझे PLC पे है, तो मैं इस पे आपको बता सकता हूँ थोड़ा बहुत, जो भी जानकारी बीटेक लेवल का है आपको मैं दे सकता हूँ, फाइन। तो अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ये है हमारा प्राइवेट जॉब एमटेक एंड PSU। अब सवाल ये आता है कि स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, क्या चूज़ करना चाहिए, अब ये मेन सवाल है। तो इसमें मैं क्या किया हूँ ना, मैं दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ। दो पार्ट कैसे, कि आप क्या करो, आप एक शॉर्ट टर्म गोल अपना लिखो, व्हाट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल, सेकंड लिखो व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल, और दोनों गोल डिपेंड करता है व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल कंडीशन, आपके फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपने लोन ले रखा है कि नहीं, आपके पापा कितने मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, क्या उम्मीद है उनकी 4-4 साल बाद, क्या वो आपसे प्लेसमेंट चाह रहे हैं या फिर जॉब चाह रहे हैं, या फिर वो उस लाइक नहीं है कि आपसे, मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ आप 4 साल बाद जॉब ले सको। तो ये सब फैक्टर है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो भी फाइनेंशियली वीक है, आप बिल्कुल, है ना, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल लिख के अच्छे से डिसाइड करना। जैसे मान लो आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि अभी 4th ईयर हो गया, 4th ईयर के बाद हमको एनी हाउ प्लेसमेंट चाहिए, दैट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा कि आज से 3-4 साल बाद हमको अपने लाइफ में इतना स्टेबल हो जाना है कि कल जाके हमारा परिवार आता है या फिर आगे हमारा परिवार बढ़ता है तो हम उसको कर सकते हैं पूरा, जो भी हमारा क्या कहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है या इशू है उसको हम फाइनेंशियली रिजोल्व कर सकते हैं। तो इस पे लॉन्ग टर्म गोल होता है। जैसे अगर नॉर्मल शॉर्ट टर्म गोल की बात करें तो आप IT कंपनी जा सकते हो, अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो आप बिल्कुल IT कंपनी जाइए, वहाँ भी आपको तैयारी करने का टाइम मिलता है और आप पहले अपने आप को स्टेबल करो, आपको टाइम मिल जाएगा, दो साल अपने ग्रूम भी करोगे और 2 साल में आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते रहो, मतलब पैरेलली आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप फाइनेंशियली वीक हो। अगर आप ये सोच लोगे नहीं मैं गेट ही करूँगा, मैं ESC करूँगा
और आपके पापा बहुत परेशान हो गए पैसा देते देते, तो वो भी एक तरह से आपके लिए बहुत बड़ा प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि कितना भी जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, वो लक पे डिपेंड करता है। आप मानो या नहीं मानो, कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि उस साल क्या होगा नहीं हमको नहीं पता, है ना। तो आप ये श्योर शॉट नहीं कह सकते कि आप अंडर हैंड ला सकते हो, समझ रहे हो। और आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है यहाँ पे, तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, इसके वजह से मैं यही कहूँगा कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आपको मिलती है, वेदर इट इज़ टेक्निकल या नॉन टेक, जो भी कंपनी मिलती है आप उसको ग्रैब कीजिए, ग्रैब करके और वहाँ पे आप पैरेलली प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस एवरेज है तो फिर आप बिल्कुल, है ना, वेट करो एक साल। अगर आपका गेट नहीं होता है तो एक साल आप वेट करो और फुल टाइम गेट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर चाहते हो, चाहे वो कैट हो, गेट हो, GRE, GMAT, जो भी हो, अगर आपको चाहिए कैट वर्सेस गेट तो उस पर भी मैं बना दूंगा, आप कमेंट करना तो मैं उस पर सोचूंगा एक कुछ इंस्पेक्शन करके कैट और गेट में आपको कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए। जो भी आपका ड्रीम होगा वो चीज़ आप फॉलो कर सकते हो एक साल तक। ऐसा नहीं है कि मतलब फोर्थ ईयर में आपको जॉब नहीं लगा तो आप कुछ किसी के लायक नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका फाइनेंशियली आप थोड़ा सा ठीक हो। जो फाइनेंशियली वीक हैं उनके लिए बिल्कुल फोर्थ ईयर के बाद आप ड्रॉप मत लेना, ठीक है, बहुत रिस्क फैक्टर है और आप पे ही पूरा परिवार डिपेंड करता है। तो आप बिल्कुल, है ना, कहीं से जाकर कहीं भी कोई भी जॉब लो और वहाँ से पैरेलली प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ये सब एक्सक्यूज़ होता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है, 8 से 10 घंटा पढ़ने के बाद भी यू हैव टाइम, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी शादी हो गई आप फैमिली को टाइम दे रहे हो, ऐसा नहीं है। आप एक तरह से आप सिंगल हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल हो, तो आप क्या है मतलब 10 घंटा भी अगर आप जॉब में देते हो तो रेस्ट 14 आवर्स में से 6 से 7 घंटे सोते हो, स्टिल यू हैव 5 आवर्स, तो टाइम निकालने से निकल जाता है। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटा ही थे लेकिन बहुत कुछ कर लिया, स्टीव जॉब्स के पास भी 24 घंटे ही थे लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया, है ना। तो टाइम कभी भी नहीं निकलता, टाइम निकालना पड़ता है। आप खुद सोचो, मतलब मेरे पास भी टाइम नहीं रहता, लेकिन अभी आई थिंक हमारा 5:10 सुबह हो रहे हैं और उसमें मैं आपका शूटिंग करके ये अपलोड करूँगा सुबह 6-7 बजे जो भी अपलोडिंग होगी, तो टाइम हमें भी निकालना पड़ता है इस काम को करने के लिए। तो टाइम कभी आएगा नहीं, टाइम निकालना होता है, ठीक है। तो आप निकालिए टाइम। अब जो बहुत अच्छे हैं फाइनेंशियली, नो प्रॉब्लम, आप तो बिल्कुल टारगेट करो ना कि कोई अच्छे गवर्नमेंट PSUs जॉब लो, अच्छे से आप तैयारी करो, 2 साल भी लगे नो प्रॉब्लम, 2 साल के बाद आप ड्रॉप नहीं लेना, लेकिन 2 साल भी लगे तो चलेगा। तो हर चीज़ आपका जो अराउंड घूम रहा है कि कहाँ ज्वाइन करना है क्या नहीं करना है, वो सब आपके फैमिली स्टेटस पे घूमता है कि आपके फैमिली स्टेटस में आप पे डिपेंडेंसी कितना है आपके पेरेंट्स का, उस हिसाब से आप चूज़ करो अपने कैरियर को, वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको बता दिया। और एक स्टूडेंट हमें मतलब कमेंट किए कि सर 25 लाख का पैकेज कैसे मिलेगा। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन 25 लाख का पैकेज ऐसा ही तो नहीं मिलेगा, है ना। आप ऐसा सोचोगे कि सर वो 25 लाख का ही पैकेज चाहिए तो कभी नहीं मिलेगा। आप अगर ऐसा सोचोगे कि मैं अपने आप को 25 लाख के लायक बना लूँगा तो उस दिन मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो पहले आप क्या देखो ना, पहले आप पैसा मत देखो, आप पहले ये देखो कि क्या आप 25 लाख के लायक हो कि नहीं, मतलब आपका जो टैलेंट है, जो स्किल है, क्या वो 25 लाख के वर्थ है कि नहीं। एक्चुअल में कोई भी कंपनी अगर आपको पे करती है ना तो वो आपका 30% के आसपास होता है जो पे करती है, अराउंड मतलब हर एक कंपनी का 10-30% के आसपास होता है जो आप उसको प्रॉफिट देते हो ना उसका। तो आप सोच सकते हो उस हिसाब से 25 लाख अगर आपको कमाना है, 10% भी मानते हो तो कितना हो जाता है, 2.5 करोड़, है ना। तो उतना आपको साल का आउटपुट देना पड़ेगा और उसके लिए आपको खुद को ग्रूम करना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं वो ले लेते हैं, जैसे कैट अगर आप IIM से कर लिए तो बिल्कुल आपको मिलेगा 25 लाख का, लेकिन उसमें करने में आपको 20 लाख का एक्सपेंस भी है। अब चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कैट वर्सेस गेट, क्या रिस्क फैक्टर है वो मैं आपको दिखा दूंगा। एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल आप अपना डिसाइड करो। शॉर्ट टर्म गोल क्यों चाहिए, क्योंकि आप पे किसी का डिपेंडेंसी है तो आप उसको तुरंत पकड़ो और पैरेलली पैसा आते रहेगा और पैरेलली आप प्रिपरेशन करो। लॉन्ग टर्म गोल बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म गोल ऐसा होना चाहिए कि ड्रीम छोड़ना नहीं है देखना, समझ रहे हो ना, उस टाइप का लॉन्ग टर्म गोल बनाओ और उसको अचीव करने की कोशिश करो शॉर्ट टर्म गोल से। अगर आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो, आपको कोई प्रेशर नहीं है, गो फॉर द लॉन्ग टर्म गोल ओनली। लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद ये क्लोज कर दूंगा। बहुत लोग हैं जो स्टक कर जाते हैं गेट में ही, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल हो जाता है, 2015-2014 के पास आउट हैं और वो स्टक कर जाते हैं कि अब 2020 देना है। मत करो ऐसा, ठीक है। गेट उतना भी बड़ा पेपर नहीं है कि आपको 6 साल लग जाए उसको करने में, करने वाले 1 साल में कर लेते हैं, 2 साल इज़ मैक्सिमम, 2 ईयर्स आप डेडिकेटेड होकर करोगे बहुत ज़्यादा है, मतलब करने वाले तो 6 महीने में कर लेते हैं, लेकिन 2 साल मैं मान के चलता हूँ कि 2 साल आप ड्रॉप ले सकते हो, 3रे साल मत लेना,
कहीं ना कहीं आप करो, आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो। जैसे आप IITs नहीं मिला तो आप आगे बढ़े ना, आगे बढ़े तो और कुछ आपको नॉलेज हुआ, कुछ गेन किए, थोड़ा सा ग्रूमिंग आया ना, उसी तरह से आप इसमें भी आगे बढ़ो, आगे बढ़ के देखो क्या मिलता है लाइफ में। हो सकता है आपके लाइफ में PSU नहीं होगा, लेकिन कुछ और चीज़ होगा। वो कब मिलेगा? जब आप गेट को स्टक कर गए हो, जो लोग स्टक कर गए हैं उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे तभी जाके मिलेगा, है ना। अगर आप वहीं पे स्टक कर गए मतलब नहीं है ना, समझ में आ रहा, अपना लाइफ आप वेस्ट कर रहे हो। तो वेस्ट मत कीजिए, कम टाइम है सबके पास, लिमिटेड टाइम है, उसी में फैमिली को भी देखना है, सबको देखना है, अपना परिवार भी बनाना है, ये सब ख्याल रखना है, तो उसी हिसाब से आप डिसीजन लो। तो कुछ टिप्स आपको समझ में आ गया होगा मैं जो दिया, और भी आपको अगर किसी टाइप का अगर क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। तो चलिए जुड़े रहिए जेनिक के साथ, और कुछ भी अगर आपको कोई न्यू टॉपिक चाहिए बिल्कुल आप हमसे कमेंट कर सकते हो, और अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताओ। थैंक यू।